गाइस आज मैं आपको लेके आ गया हूँ वृंदावन की एक ऐसी जगह जहाँ पे 30 रुपए में आपको भरपेट खाना मिलेगा और बच्चे के लिए रेट है 25 रुपए। तो चलते हैं पता करते हैं इतने कम रेट में खाना कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। ये शॉप है गोपाला भोग के नाम से, यहाँ पे 30 रुपए प्रति थाली आपको खाना मिलेगा। अब उसके अंदर कितनी रोटियाँ हैं क्या क्या है वो चीज़ें अंदर जाके पता करते हैं, बताता हूँ मैं आपको। देखो दुकान है, पूरे वृंदावन में फेमस है ये। और देखो आप बाहर देखो बाइक है, अंदर स्पेस कम है लेकिन भीड़ ज़्यादा है, इसलिए मैं बाहर आके खड़ा हो गया। वापस चलते हैं एक बार भीड़ कम होने तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर ऐसा क्या है। अभी 30 रुपये में ऐसा क्या अंकल जी जो हैं वो कैसे मार्जिन निकालते हैं और कैसे। वृंदावन में तो वैसे कहते हैं कि ज़्यादा एक तरह से भगवान की कृपा है तो लोग दान के उसमें करते हैं, लोगों का एक तरह सेवा करते हैं। तो क्या है सेवा के रूप में है या 30 रुपये में मार्जिन निकल रहा है अंकल जी का, वो पता करते हैं एक बार चल के। इसमें आपको ओनियन भी नहीं मिलेगी और गार्लिक भी, नो गार्लिक नो ओनियन, ये तो यहाँ पर मैक्सिमम रेस्टोरेंट पर होता ही नहीं है, प्याज और लहसुन नहीं यूज किया जाता। राधे राधे भैया, कैसे हो? कुछ बताओ मुझे अपने बारे में, ऐसा क्या है मतलब पुण्य कर रहे हो आप या फिर 30 रुपए में कैसे मार्जिन निकाल रहे हो आप? अच्छा, हाँ हाँ, तो 30 रुपए में क्या क्या चीज दे रहे हो आप? 30 रुपए में 2 चपाती देते हैं और 2 तरह की सब्जी देते हैं। अरे 30 रुपए में क्या बात है, इसके पराठे मिल जाते हैं, बस आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा। तो ये तो ब्रेकफास्ट सुबह के टाइम पे मिलता होगा? ये कभी मिल जाएगा आपको 9:30 बजे खुलने टाइम है, 9:30 से 3 और शाम को 9:30 से 9:30। अच्छा सर, एक एक गोटे का तो एक अभी स्टार्ट किया है पहले से ही, मतलब जैसे अगस्त में स्टार्ट किया था जन्माष्टमी। अच्छा, एक साल हो जाएगी जन्माष्टमी। अरे एक साल हो जाएगा आपसे पहले, आप जैसे कर रहे हो अब यंग जनरेशन हो, आपसे पहले पापा जी और वो और कोई भी इस तरह करते थे नहीं तो आपके माइंड में इस तरह का आया मतलब है? चावल है इसमें, तो दाल तो रेगुलर डेली रहती होगी आपकी? अच्छा नहीं, मतलब हफ्ते के 7 दिन में दाल तो कंपलसरी होती है, दाल तो डेली रहती होगी ना, सब्जी चेंज हो जाती है वो सीजन के हिसाब से। जैसे ये राजमा है। अच्छा, है ना? तो राजमा आज होगा तो कल नहीं होगा? कल छोले होंगे। अच्छा, सुबह शाम सब्जी चेंज हो जाती है? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा कर रखा तवे की रोटी है, मतलब नान बहुत सही नहीं है ना, घर की माँ जी के हाथ की है तो माँ वाली फीलिंग आती है बिल्कुल। तो उसी बीच में फिर वापस बनाना पड़ता है। सब्जी तो सेम ही रखते होंगे ना, सब्जी भी चेंज है? अच्छा सब्जी भी चेंज है। तुमने 30 रुपए में खाना खाया, पेट भर गया आपका पूरा है? बिल्कुल, मतलब ये कह सकते हैं कि 30 रुपए में भरपेट खाना मिल रहा है, क्या बात है। ये पूरी थाली है, इसमें 2 रोटी हैं, चावल है और अपना अचार है और ये 2 सब्जी हैं। अब देखो इस तरह का है, ये 30 रुपये में ओनली। रायता अगर आपको चाहिए तो 10 रुपये का अलग से लेना पड़ेगा एक गिलास। मैंने चावल और राजमा लिए हैं, रोटी की भूख नहीं है अभी तो, ये होती है सबसे बढ़िया। क्या है ना, देखो प्लेट भी यूज एंड थ्रो वाली है, ऐसा नहीं है कि वो स्टील वाली प्लेट है कि एक प्लेट में खाओ फिर उसको धो, तो एक काम भी बढ़ता है। ऊपर यूज एंड थ्रो वाली है, इसको अपना खा के डस्टबिन में फेंक दो। 30 रुपये में भी आपको चावल दाल सब्जी आप एक एक बार और ले सकते हो, मतलब 2 बार आप ले सकते हो, आप लगा लो एक तरह से आप ही कह सकते हो 30 रुपये में भरपेट खाना है। ओके थैंक यू, ठीक है जी, राधे राधे।